Hey, what's up guys, this is Naren Negi and I welcome you all in my YouTube channel Naren Romer. I hope you guys are doing absolutely great. Abhi time hua hai 7:30, approx 7:30 hua hai aur temperature hai abhi yes 39 degree celsius ho raha hai. Matlab shaam ho rahi hai aur itna temperature hai to socho din mein kya halat hoti hogi Delhi mein. Bahut buri halat hai, May abhi start bhi nahi hua hai aur itna temperature raise ho gaya hai Delhi mein. So mere ko lagta hai ki June mein to ban bajne wali hai apan logon ki. और खासकर जब दिन में आप जा रहे हो कहीं पे बाहर राइड्स पे जा रहे हो, हेलमेट पहना होता है, पसीने अंदर से निकल रहा होता है, बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा. आई गेस आप लोग समझते होंगे जो बाइक चलाते हैं. अब गर्मी हो या सर्दी हो, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, पैसे तो कमाने पड़ेंगे. अब जो पेंडिंग वर्क है उनको कम्प्लीट करना ही पड़ेगा. सो एक पेंडिंग वर्क था जो वो करने के लिए बाहर निकले थे आज हम. सो पेंडिंग वर्क क्या था वो दिखाते हैं. सो ये था वो पेंडिंग वर्क जो हमको आज कंप्लीट करना था. एक्चुअली में ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे था कि दो तीन दिन पहले मैं अपने फ्रेंड को पिक करके नोएडा से दिल्ली ला रहा था. अब नोएडा से दिल्ली लाते वक्त वहीं पर फेस वन में एक चेक पोस्ट पड़ता है, तो वहां पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मेरे को रोका. बिकॉज जो मेरे पीछे मेरा फ्रेंड बैठा था उसने हेलमेट नहीं किया था यूज. अब हेलमेट नहीं यूज किया था तो उसकी वजह से उन्होंने हमको पकड़ा. अब उस चक्कर में ये सब हुआ. वो तो बेचारा घर में सो रहा है मेरा फ्रेंड, बट मेरे को आई हैव टू गो कोर्ट. वहां से मेरे को अपना जो डीएल मेरा सबमिट हुआ है वो मेरे को रिलीज कराना था, बट हुआ नहीं. अब मैं वहां पे गया था, वो स्टोरी आप एक बार देख लो वहां पे क्या हुआ था, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ. तो फाइनली पहुंच गया हूँ कोर्ट. अब यहाँ से अपना जो चलान है उसको कटवाते हैं और अपना डीएल, हाँ डीएल ही है शायद, सबमिट यहाँ पे डीएल लेते हैं, फिर चैन से सोएंगे अपना. देखते हैं शायद आया भी होगा या यहाँ पे नहीं आया होगा, वो पता नहीं मेरे को. आई होप कि आ जाना चाहिए. ये यहाँ पे पार्किंग है, फ्री है बिल्कुल. सो अगर कोई मेरी तरह बदकिस्मत है तो यहाँ पे पार्किंग फ्री है, आ सकता है. अगर मेरे को पूछना पड़ेगा कि चलान कहाँ पे कटते हैं, देखते हैं अंदर जाते हैं क्या सीन है, क्या सीन नहीं है. यहाँ पे शूट तो मैं इंटेंशनली नहीं कर सकता, बट हाँ ट्राई करूँगा चोरी चोरी करने का. बाइक का चलान है ना डरा भाई, वो क्या होता है. ये है तो आ जाओ. इंश्योरेंस वाले सब कुछ कटवाना है, डीएल जमा है आपको. कहाँ पे होगा बता दो. देखो ये देखो, ये इवनिंग कोर्ट होती है, इवनिंग कोर्ट ठीक है. ये लगभग 4:30-5 बजे शुरू होती है, ठीक है. बाकी हम आपका काम करा देंगे अभी. ये कोई बात नहीं, शाम को आ जाए, लोग कभी होंगे इतनी जल्दी. अभी आओ चाहे साहब, पैसे तो ही दे रहे हैं आपको, जिस चीज़ का ऑफिस है इतने में काम करवा देंगे. तो काम कराने का हमें जो मर्जी दे देना, जो आप भी तैयार करें. लोकल रह के भी, लोकल रह के भी 20 रुपये ले देना, बताओ. भाई इसमें तो 200 रुपये लगेंगे, लेकिन लगेंगे लेकिन वो भी 4 बजे मिलेगा आपको. कहीं नहीं आ जाऊंगा सर, यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा लेने के लिए, पैसे लेने के लिए आदमी घूम रहे हैं.
ताकि उनका भी काम बन जाए, लेकिन अपन देगा ही नहीं, अपन और जीतती है। देखा ना आपने, तो यहाँ पे देखा ना आपने कि ब्लैक कोट वाले कैसे आगे पीछे घूमते हैं। साला सबने ऊपर कमाई का धंधा बना दिया है, किसी से मतलब पूछना तो यानी कि अपने ऊपर प्रॉब्लम लेना। कोई ये नहीं कहता कि चलो ठीक है मैं आपका काम करवा देता हूँ, सर ये बोलते हैं कि इतना पैसे दोगे मैं आपका काम करवाता हूँ। अरे यार लोकल बंदे था थे, यहाँ पे भी अगर पैसे देंगे ना फिर तो हो गया। बट वैसे भी यहाँ पे इवनिंग कोड है वो, मतलब कि बोले तो इवनिंग कोड बोले तो बंदा शाम को आएगा, जो हैंड जो ये सब कुछ हैंडल करते हैं तो वो भाई साहब हमारे शाम को आएंगे। तो चलो तब तक दूसरे काम निपटा लेते हैं। तो अभी मेरे को डीएल तो नहीं मिल पाया मेरा जो वहां पे सबमिट है, बिकॉज अभी जो थाना था वहां से कोर्ट आने में टाइम लगेगा 10-15 days। मेरे को ये बताया कोर्ट में जो जज है जिनके पास ये हैंडल जो ये हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि 10-15 days बाद आप आइए, आपको आपका डीएल मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी नहीं मिल पाया, तो 10-15 days बाद दोबारा ट्राई करेंगे, मिल जाएगा, आई होप मिल जाएगा। सो ये जब प्रोसेस हो गया था तो उसके बाद जब मैं कहीं जा रहा था दूसरी जगह, जब मेरे को कहीं जाना था, सो उसके बीच में क्या हुआ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। आप एक बार देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखो देखो वो जो बंदा दिख रहा है वहां पे, देखो बंदे की स्टाइल, देखो स्टाइल, बंदे की स्टाइल देखो यार, फुल पैसे कमाए नहीं। ये दिल्ली है मेरी जान, ये देखो एक ही बंदा अपने कार्ड बांटता हुआ। मजे जिसे कह देना वो ले रहा हूँ बंदा, ये स्टाइल फ्लैग है, फ्लैग बंदे ने पट्टी बांधी हुई अपने पैर पे, पीछे रखा हुआ तमंचा, तमंचा नहीं है उनका, नहीं क्या है। कुछ मांग रहा है वो शायद गाड़ी से, कोका कोला मांगी उसने, ऐसे ही है यार। पुलिस शक्ल बनाओ या हमसे अच्छा ब्लॉग बना पा सकते हैं, अभी ऐसा है ना तो हमसे अच्छा ब्लॉग बनाए, यूट्यूबर है इन सबको फील कर सकते हैं। उसका एक्सप्रेशन देखो यार, एक्सप्रेशन ही है उसके, तो देखो उसने नहीं दिया था, पीछे भी बैठा उससे मांग रहा बंदा। ये शायद हमारे लिए कॉमेडी है, बट ये लोग रहते हैं ऐसे ना फुटपाथ पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट इतनी गर्मी में रहना। अब पास से देखो, पास से मेरे को चिढ़ा रहा है, बताए ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ऐसे पी ना, पी तो आराम से पी, पी आराम से पी, आराम से पी। ग्रीन लाइट हो गई तो और मजा आता है इसके साथ।
आपको एक और सीन दिखाता हूँ जहाँ पे लोग मेरे को देख रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। लोग नहीं मतलब कह सकते बच्चे, ये रहे पूरा ऑटो भर के देख रहा है। क्या चीज ये, तुम लोग ब्लॉग देखना मेरा नरेंद्र रूमर के नाम से, हाँ सारे के सारे। क्या चीज, मैंने इसको बहुत लाइट वे में लिया है बट ट्रस्ट मी यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इतनी गर्मी में आप रोड पे रह रहे हो। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई होप कि कभी ना कभी ये चीज़ रुके, और बिकॉज एक एजुकेशन के टाइम पे वो अगर बच्चा हाथ फैला के किसी से भीख मांग रहा है तो इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती किसी भी देश के लिए, किसी भी सिटी के लिए। सो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है, कर रहा है वो तो कर रहा है, क्या कर सकते हैं उसमें। बट चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हुआ, यस गेटिंग माई न्यू हेयर कट। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इंस्टा पे जाओ, इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे सारी डिटेल रहती है, वहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ, वहाँ पे लाइव इन द सेंस कि वहाँ पे अपडेट रहता हूँ मैं। सो अगर आपको अपडेट्स चाहिए कुछ भी मेरे लाइफ से रिलेटेड, सो प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो करो, आईडी नीचे आ रही है, प्लीज़ फॉलो मी। सो ड्यूरिंग माई हेयर कट एक ट्रेजेडी और हुई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई थी, वो आपको मैं दिखाई देता हूँ, मेरे से बोला तो नहीं जाएगा, आप देख लो और उसको फील कर लो कि मैं क्यों इतना हंस रहा हूँ। प्लीज़ एक बार देख लो आप, थोड़ा पीछे को जाता हुआ, ज्यादा पीछे नहीं। ये राजा साहब के भतीजे श्री कृष्णचंद्र जी हैं, आपकी खैर खबर पूछने आए, आपके लिए कुछ पूछे भी आए। यहाँ किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, यहाँ की हर खूबसूरत चीज आपकी है, ऐश कीजिए। ठीक है, ओके, इस पोर्शन को बनाने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, किसी पे हंस रहा हूँ। अब बस ये है कि मेरे को थोड़ा सा क्यूट लगा वो, सो इसलिए मैंने उसको थोड़ा ब्लॉग में डाल दिया, और आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा क्यूट था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देख देख के। सो ही वॉज टू क्यूट, सो इसलिए बस डाल दिया कि आप लोग इन्जॉय करें, इंटरेस्टिंग लगे आपको व्लॉग, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का मजाक उड़ाने का। सो आज इतना ही कुछ, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू कमेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करो, और नहीं लगे तो प्लीज़ कोई एडवाइस कर सकते हो आप मेरे को, मैं जरूर कंसिडर करूँगा। ये मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, सो इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने ऊपर, जो चीज़ मेरे को लगता है कि थोड़ी कम है तो उसको थोड़ा अपर लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप प्लीज़ एडवाइस जरूर करते रहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं फिर, अल्लाह की हिफाजत करें, बाय बाय, टेक केयर।